शामिल करते हैं लाहौर से काशिफ हसन की इस रिपोर्ट में। किंगडम वैली ने कामयाबी का एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। पीसी होटल लाहौर में जारी तकरीब में पहली बैलेटिंग करके सबको हैरान कर दिया। तकरीब में चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद ने खसूसी तौर पर शिरकत की और शुरका से खताब करते हुए कहा कि जब इस प्रोजेक्ट का आगाज किया तो लोगों ने इसको बेकार करार दिया, मगर अपनी अंतक मेहनत और टीम के साथ की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह किंगडम वैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डीलर्स, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स का एतमाद किंगडम वैली पर बहाल है। इंशाल्लाह आइंदा चंद माह मजीद ऐसी खुशखबरियां आने जा रही हैं कि साबित हो जाएगा कि किंगडम वैली पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आज किंगडम वैली तस्वुर से हकीकत का रूप धार चुकी है। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। मैं उस रब जलील का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे यहाँ तक नवाजा और नेक नीति से, खुश असलूबी से, दयानतदारी से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। लोग कहते हैं कि ईमानदारी से, दयानतदारी से काम नहीं होता, लेकिन उसकी मिसाल आपके सामने मैं खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब्र से काम लें, इखलाक प्यार से काम लें। दुनिया छोटी सी है, आज आप लोग बैठे हैं तो तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 100 साल बाद, वैसे तो पता नहीं पल का, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। जो हमारा मालिक है, ये बिल्डिंग का मालिक है, ये दुनिया का जो मालिक है, हमने उसकी तरफ लूट के जाना है। आज सेलिब्रेशन थी 14 अगस्त, जश्न आज़ादी की, और मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसके बारे में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, खैर मांगनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मुल्क को आगे देखना चाहिए। आगे देखने के लिए हमारी मेहनत होना जरूरी है, हमारा इत्तेफाक होना जरूरी है, हमारी दुआओं की भी जरूरत है और दवा की भी जरूरत है। किंगडम वैली, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने मेम्बरान का, अपने रिलेटर भाई का, भाइयों का, जिन्होंने मेरे पे इतबार किया, मेरे पे एहसान किया। अल्लाह की मेहरबानी से आज उस एहसान का बदला मैं चुकाने जा रहा हूँ। जितना भी काम होता है, हम ट्रस्ट डेवलप नहीं कर रहे ओवरसीज, स्पेशली ओवरसीज भाइयों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का, जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, हम ट्रस्ट उनका डेवलप नहीं करते, उनको चीजें रिटर्न नहीं देते। मेरे जितने भी दोस्त अवाब डेवलपर भाइयां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बहुत सपोर्ट होती है ओवरसीज की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, उनका ख्याल रखा करें। गरीब हो या अमीर हो, ना इंसाफी दोनों में हो रही है, इंसाफ की तरफ निकले। सिर्फ अमीर ही नहीं कर रहा, ना गरीब भी बहुत ना इंसाफी कर रहा है। वो किस लम्हे पे कर रहा है वो खुद उसको पता है। तो अगर हम आपस में इत्तेफाक में, प्यार में चलें तो ये मेरा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। हर मौसम है, हर माहौल है, हर अंदाज है, इस्लाम भी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, ये यकीन रखा करें। हर बंदा परेशान है, रिस्क है, रिस्क से बरकत उठा ली गई है, क्योंकि हम हर बंदे को धोखा देने के चक्रों में लगे हुए हैं। हर बंदा अमीर बनने के चक्रों में लगा हुआ है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं, सोचता ही नहीं, गरीब बनना को पसंद ही नहीं करता। लेकिन ईमानदारी से बात आज करूं, मुझे गुर्बत पसंद है। अमीरी में जो आप माल देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, अमीरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुर्बत में आपके पास आपके सवाल कम होने हैं। आपसे गुजारिश है कि जो भी बड़े ख्वाब देखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। जितने भी लोग इस किंगडम वैली से वाबस्ता हैं, वैसे भी मुझे सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में मेरे मेंबर हैं, मेंबरान हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बंदा भी, एक मेंबर ने भी मुझे अगर पैसे दिए हों, जो क्राइटेरिया था रखा था, लोग बातें करते रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मस्बत की, जैसे भी तनकीद की, उनका राइट है। साफ़ आजकल जो मुल्क में हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, उनका राइट है, होना भी चाहिए था। तो मेरा यकीन उस रब की ज़ात पे है। मैं कच्ची झुकी में रहना पसंद करता हूँ, दो नगरी मुझे पसंद नहीं है। मैं आज आपको ना मेरे पे उम्मीद दो नगरी की रखिएगा, धोखा नहीं देता कोई बंदा, कोई पाकिस्तान दुनिया में कोई शख्स है तो मेरे पे सामना खड़ा खड़े होकर मुझे जवाब दें, मुझे आके मिले, अगर किसी के साथ मैंने दो नंबर की हो, लेट सवेर की मेरी तरफ से बात होती है, होती रहती है। जमीन ली
किंगडम वैली की, उस वक्त जिन लोगों ने मुझे 5,75,000 में प्लाट सेल किया, सबसे पहले उन इमरान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनके लिए बहुत बड़ी खूबसूरत जगह है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सिटी की बात की, रोड देखें, एक एक मटेरियल को चेक करें, लैब्स वाले हम उनको दावा देता हूं आए चेक करें, जमीन एक इंच भी चेक करें। मैंने अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक का ऊंच नीच हो सकती है माजत खा हूं, क्योंकि इलम का बारे में दीन इलम का इतना तो आता नहीं है, तो जो साथ जमीन धोसा जाएगा एक इंच भी हो तो लानत करनी है ऐसी ऐसे रिस्क पे जिस पे एक आज यहाँ हमें फेंका जाए ना तो 2-4 फुट पे तो तबीयत सीधी हो जाती है हमारी, तो वहाँ साथ जमीन धोसा जाना है। इसलिए खुदारा आप मेहनतें करते हैं, खाएंगे वो कौन, वो पता नहीं कौन होगा, बच्चे होंगे, कोई और खा जाएगा। इसलिए खुदारा जो जो हक बनता है हर बंदा बांटता जाए तो हमें हमारे मुल्क को नुकसान नहीं होगा। हमारा इतना बड़ा रब है, आप परेशान क्यों हैं? देखिए, ख्वाब देखने के लिए हमेशा सोना पड़ता है। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि ख्वाब देखने के लिए सोना पड़ता है, मगर गोल्स के लिए हमें जागना पड़ता है। और आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब गुलाम हुसैन शाहिद साहब, जो कि चेयरमैन हैं किंगडम वैली के, मैं आपको पूरे यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने गुलाम हुसैन शाहिद साहब के साथ वो दिन गुजारे हैं जब इन्होंने दिन रात मेहनत की है, एक ख्वाब देखा। बज़ाहिर बहुत से लोग ये समझते थे कि यह ख्वाब पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो पहाड़ों के झुरमुट में किस तरह से सोसाइटी आबाद हो सकती है जहां पर सराउंडिंग में कोई ऐसा आबादी भी नहीं थी, फिर वहां अप्रूवल्स लेना और खास तौर पर उस वहां पर आबादी को लाना, लोगों को वहां लाना, फिर ओवरसीज का इंटरेस्ट डेवलप करना। लेकिन आज मैं पूरे वसूख के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान के साथ ये कहने को, खुशी के साथ कहने को राजी हूँ कि अल्लाह पाक ने गुलाम हुसैन शाहिद साहब का वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा कर दिया है। तो भरपूर क्लैप होनी चाहिए गुलाम हुसैन शाहिद साहब। तकरीब में मौजूद शुरका का कहना था कि आज किंगडम वैली जिस तरह से कामयाबी की मंजिलों को छू रही है, इसका सारा क्रेडिट चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद, इनकी लीडरशिप में आज किंगडम वैली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। आखिर में पाकिस्तान की 76वीं जश्न आजादी की खुशी में चेयरमैन किंगडम वैली गुलाम हुसैन शाहिद और GM गुलाम मुर्तजा ने खसूसी केक काटकर पूरे कौम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान की शान क्रिकेट के चमकते सितारे शाहिद खान आफरीदी ने वीडियो पैगाम में किंगडम वैली के प्रोजेक्ट को खूब सराहा। आखिर में तमाम मेहमानों के एहसास में शानदार सोहराने का एहतमाम किया गया। 14 अगस्त, ये दिन है पाकिस्तान की आजादी का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जश्न आजादी के मौके पर किंगडम वैली ने अपनी फर्स्ट बैलेटिंग कर दी है और कर दिया है अपना वादा पूरा। पाकिस्तान की तरक्की के इस सफर में किंगडम वैली है तामीर से तकमील तक आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।